हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरे स्वेटाक्रिएशंस पे। और आज का टॉपिक तो क्या है, आप सबको तो पता चल ही गया होगा मेरा पोस्टर देखकर। तो आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में, जो कि इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा था। तो क्या इस पर बैन लगना सही बात है? क्यों बैन लगा? अगर बैन लगा या सही है या गलत है, तो चलिए इस बारे में आपसे बात करते हैं। तो चलिए पहले हम इस टिकटॉक ऐप के बारे में कुछ जानते हैं। ये आया कहाँ से, टिकटॉक कैसे बना, और इसे पहले बैन किसने किया, इसके कितने सब्सक्राइबर्स है, चलिए देखते हैं। तो इंडिया में पहले 2014 में एक म्यूजिकल ऐप लॉन्च हुआ था। वो बहुत अच्छी तरह से इंडिया में, ज्यादा नहीं पर नॉर्मल वे में ग्रो कर रहा था। पर 2018 में चाइना के साथ, चाइना में भी टिकटॉक ऐप चल रहा था, तो म्यूजिकली ऐप और टिकटॉक ऐप दोनों का टाई अप हो गया और 2018 में इंडिया में लॉन्च हुआ टिकटॉक। म्यूजिकल ऐप टिकटॉक में चेंज हो गया। सिर्फ इंडिया में ही इसकी 170 मिलियन यूजर्स है। तो एक साल में इतनी ग्रो करने वाला, बहुत तेज से ग्रो कर रहा था। ऑल इंडिया में इसे टॉप 40 ऐप में ये ऐप था। ये ऐप इंडोनेशिया और यूएसए में पहले से ही बैन था। आप सबको पता होगा कि इंडिया में टिकटॉक ऐप को बैन किया गया है। कैसे बैन किया गया पता है? ये इसे अभी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। मतलब नए यूजर्स, जो नए, अगर कोई टिकटॉक ऐप को डाउनलोड करना चाहेगा तो वो ऐप डाउनलोड नहीं कर सकेगा। बट जिनके मोबाइल में पहले से ही टिकटॉक ऐप है, वो उसे यूज कर सकेंगे। तो ये कैसा फैसला हुआ, इस पर हम आगे बात करेंगे। मैं कोई इसे बैन इंडियन हाईकोर्ट के जज ने किया, मैं उन पर सवाल नहीं खड़े कर रही हूं। पर मेरा कहना यह है, अगर पहली बात, टिकटॉक ऐप को बैन क्यों किया गया? पहली, इससे कैसे वीडियोस बनते थे पता है? इससे बहुत सारे इसमें ना ज्यादा स्टंट वाले वीडियोस ज्यादा वायरल हो रहे थे। पहले तो इसका म्यूजिक बजता था, उसे देखकर लोग लिपसिंग करते थे। पर अभी कुछ उसमें नए अपडेट्स आए हैं, उसके बाद आप खुद का अपना भी वीडियो बनाकर उसमें डाल सकते हैं। उससे लोग देखकर इंस्पायर होके वो भी सामने वाले के जैसा करना चाहते थे। तो इससे उसमें बहुत सारी ऐसी भी वीडियोस बनती थी जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही खराब है। उसमें एक तो स्टंट वाले वीडियोस बहुत वायरल हो रहे थे, दूसरी उससे अगर कोई उससे दो तीन क्राइम्स भी हुए, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और तीसरी बात, उसमें चाइल्ड पॉर्न भी बढ़ रहा था। चाइल्ड पॉर्न मतलब चाइल्ड गेटिंग पॉर्न। उसमें ऐसी सेक्सुअल वीडियोस बनाते थे कि उसमें कुछ ऐसी वीडियोस बनी है कि वो पूरी तरह खराब तो नहीं है पर अच्छा भी नहीं हम कह सकते। उसमें एक गाना आया था कि मेरा कुछ नहीं जाता उसमें तेरा घाटा। उसमें चार लड़कियों ने ऐसी वीडियोस बनाई थी, अगर उनके माँ बाप उस वीडियो को देख लेना तो लड़कियों को घर से निकाल दे, साइड में रखकर। और एक साइड में मतलब लड़के ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते थे ना, आप देखेंगे तो समझ लेंगे। और उसमें उससे मैंने जो बोला उसे बैन क्यों किया गया, मैंने जो कहा कि उसमें चाइल्ड पॉर्न एक्टिविटी भी बढ़ सकती है, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा 12 साल से 18 साल के बीच के टीनेजर्स ज्यादा यूज करते हैं। अगर हम एक ऐप में ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? कुछ वीडियोस तो ऐसी है कि उसमें एब्यूज, ऐसे ऐसे जोक्स होते हैं कि उसका लाइन एक होता है और उसका मतलब अलग होता है। छोटे छोटे एब्यूजिंग लैंग्वेजेस भी यूज किए जाते हैं। कैसे बढ़ा? तो फर्स्ट इंसिडेंट है दिल्ली का, जो कि वो टिकटॉक वीडियो शूट करते वक्त उसने अपनी ही एक दोस्त को गोली मार दी। उस वीडियो में वो रिकॉर्ड हुआ था। जब वो क्राइम हुआ उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि
ये टिकटॉक वीडियो बनाते वक्त ये हुआ है। सेकंड इंसिडेंट हुआ था पंजाब में, जो कि एक ट्रैक्टर के सामने एक आदमी खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, वो ट्रैक्टर उसके ऊपर आ गया। तीसरी इंसिडेंट है वो तमिलनाडु चेन्नई का है। कुछ एक लिली लिली चैंप नाम की एक गाने पर एक वीडियो वायरल हुआ था। उसी पर एक मुद्दे को लेकर बहुत सारे कुछ गांव के बीच 15 से 17 लोग भिड़ गए थे। उस गाने पर क्या कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था पता नहीं है मुझे ज्यादा। 15 से 17 लोग भिड़ गए थे, उससे 6 से 7 आदमी जख्मी भी हो गए थे। इसी वजह से टिकटॉक ऐप कानून के नजर में आया। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से टिकटॉक ऐप कानून के नजरों में आया और चेन्नई कोर्ट ने इसे बैन कर दिया। उसके बाद ये गया, ये हाई कोर्ट में गया और वहां के भी जज ने इसे बैन कर दिया और उसकी सुनवाई अभी होनी बाकी है। दूसरी अगली सुनवाई में क्या जज का फैसला आएगा। मेरा मानना ये है, और एक इंसिडेंट हुआ था वो भी तमिलनाडु में। एक आदमी कैमरे के सामने बैठकर नाइफ से अपना गला काटने का वीडियो कर रहा था और क्या हुआ पता नहीं, वो करते वक्त उसका वो तभी जब गला काट रहा था वो तभी मर गया। मतलब लोग वीडियो बनाने के चक्कर में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो खुद को ही हार्म करते हैं। समाज में कितनी खराब चीज फैला रहे हैं वो पता ही उन्हें, वो समझ ही नहीं पाते। तो आप सब लोगों को इन्हीं कुछ कारणों की वजह से टिकटॉक पर बैन लगाया गया है। पता नहीं ये बैन पूरी तरह रहेगा या कुछ देर बाद हट जाएगा या हाफ बैन ही रहेगा, कुछ पता नहीं आगे जो कोर्ट का फैसला होगा। आप लोगों का मानना क्या है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। आप लोगों का क्या मानना है, अगर टिकटॉक जैसी ऐप बैन हो जाती है, सिर्फ टिकटॉक ऐप अगर बैन हो जाती है, क्या हमारी समाज में ऐसी क्राइम्स फिर दोबारा नहीं होगी? क्या फिर एक ऐसी ऐप आएगी, फिर वो ऐसी चारों तरफ वायरल हो जाएगी, बाद में ऐसे ही चीजें होंगी, फिर बैन होगा, यही रूटीन चलता रहेगा? या टिकटॉक ऐप पर ही कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाएं ताकि लोग वीडियो तो बना सके, पर टिकटॉक अगर बंद हो जाता है तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स है जिनको बहुत हार्म होगा, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे लोग इनकम भी कर रहे थे। आज की जो पीढ़ी है ना, वो ज्यादा ऑनलाइन पे ही निर्भर हो जाती है। मतलब ऐसे नहीं कि इनकम बाहर से नहीं होगा, पर सबको अगर घर पे बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ करके दिखा के अगर कुछ वायरल होता है तो सबको तो सुख सुविधा में सब कुछ तो चाहिए होता है। ऐसे नहीं बोल रही कि टिकटॉक वीडियो बनाने वालों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, पर कुछ लोग ऐसे भी है नॉर्मली घर पे भी कुछ ऐसे चीजें करते हैं जो जिससे कि कुछ किसी को हार्म भी नहीं होता। मेरा टिकटॉक वालों से अगर मेरे मैसेज पहुंच सकता है तो टिकटॉक वाले इस पर ऐसा ध्यान दे कि अगर बैन हट जाता है तो ये ध्यान दे कि अगर आप वीडियो कौन सी चीजों पर बननी चाहिए, क्या कैसे बननी चाहिए, उनका भी एक लॉ लिस्ट बनाना चाहिए। जैसे कि YouTube तो आप सब जानते हैं कितना पहले वीडियो
वीडियो अपलोड करते हैं वो कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब उसको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। मेरा मानना है कि उस पर ही उन्हें कंट्रोल कैसा करना चाहिए, जो जो भी जो जिसका जो मन किया वीडियो अपलोड कर दिया सब लोग देख लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है अगर कोई भी वीडियो कोई अपलोड करता है वो पहले टिकटॉक वाले देखे इसे उसे अप्रूव करें क्या ये वीडियो लोगों को लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर वो उनके कुछ रूल और गाइडेंस के अंदर आता है तो उसे अपलोड कर उसे लॉन्च करें, वरना उसे रिजेक्ट कर दे। ये मेरा मानना है कि ये छोटा सा सिंपल वे है जो कि टिकटॉक चल भी सकता है, बैन भी नहीं होना पड़ेगा और लोगों में ऐसी गंदी चीजें क्राइम वगैरह भी नहीं फैलेंगी। अगर कोई मेरा मन अगर कोई स्टंट वाले वीडियो सेक्सुअल वीडियोस मतलब वो कोई गंदी वीडियोस अपलोड करता है तो तभी उस आईडी को ब्लॉक कर देना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए। तभी उन सब क्रिएटर्स को जो कि ऐसी गंदी फालतू काम करके फेमस होना चाहते हैं उनको सबक मिलेगी। 170 मिलियन यूजर्स कोई कम नहीं है, इससे 170 मिलियन में से कम हाफ तो अच्छे होंगे, 50% तो अच्छे होंगे, तो इन 50% की वजह से वो 50% क्यों भुगते। बस मेरा इतना कहना था, अगर कोर्ट कोई फैसला करे तो ऐसे कुछ सजेशंस टिकटॉक वाले अपना सकते हैं। आज एक देश में बंद हुआ, ये तो 3 नंबर देश है, यूएसए इंडोनेशिया में तो पहले से ही बैन है। तो उस पर अगर मेरी राय आप लोगों को अच्छी लगे, राय नहीं मेरा मतलब मेरा सुझाव आपको सही लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग इस बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर इस पर और भी वीडियोस बनाऊंगी। बाय। आप लोग मेरा वीडियो देखते तो हैं, पसंद नहीं आता आप सबको, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते या करना भूल जाते हैं, जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। बाय।